बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कि सर पी टू पी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर हम लोग जेम टोकन या एटी टोकन को किस तरीके से सेल आउट करें। तो इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसेस आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि पी टू पी ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आपने जेम टोकन या एटी टोकन को किस तरीके से सेल आउट करना है। तमाम डिटेल्स को समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि तमाम मेथड को आप आसानी समझ सकें। सबसे पहले तो पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ होना चाहिए। उसके लिए आप आ जाए मेरे चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आ जाए। यहाँ पर आपको एथीन नेटवर्क माइनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप लास्ट में आ जाए, यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी एथीन नेटवर्क पी टू पी ट्रेडिंग। इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर ले। मुकम्मल वॉच करने के बाद एथीन नेटवर्क पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। लेकिन ये याद रखे कि पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर अगर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके एथीन नेटवर्क की माइनिंग वाली एप्लीकेशन के अंदर कोई ना कोई पैकेज एक्टिव हुआ हुआ होना चाहिए। ब्रॉन्जे पैकेज, सिल्वर पैकेज या गोल्डन पैकेज, तो इसके ऊपर वाली वीडियो है एथीन नेटवर्क ब्रॉन्जे पैकेज। तो इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करके आप अपना ब्रॉन्जे पैकेज जो वो एक्टिव कर सकते हैं। जब तक आप कोई पैकेज एक्टिव नहीं करेंगे तो आप पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर वर्किंग नहीं कर सकते। तो पहले आप जो है ये वाली वीडियो वॉच करके कोई ना कोई पैकेज एक्टिव कर ले, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करके एथीन नेटवर्क पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके का पेज शो होगा। यहाँ पर आप लोगों को डिटेल से बताने वालों की किस तरीके से यहाँ पर आप जेम टोकन और एटी टोकन को सेल कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि आप यहाँ से बाय किस तरीके से कर सकते हैं। सेल करने का प्रोसेस इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे से इसी टॉपिक से रिलेटेड किए गए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद इनका प्रोसेस देख लेते हैं कि इनका सेल करने का या बाय करने का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाउ पी टू पी वर्क्स, यानी अगर आप बाय करना चाहते हैं यहाँ पर एटी टोकन या जेम टोकन तो आप बाय किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर इन लोगों ने डिटेल से बताया हुआ है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस करें, उसके बाद सेलर को जो है आप पेमेंट सेंड करें, उसके बाद सेलर कन्फर्म करेगा आपकी दी हुई पेमेंट को, उसके बाद जो वहाँ से क्रिप्टो रिलीज करेगा। तो जो भी आप यहाँ पर एटी टोकन या जेम टोकन को बाय कर रहे होंगे वो आपके यहाँ पर अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम हाउ टू सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। हाउ टू सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद भी इसने डिटेल बताई है कि आप सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई पेमेंट करनी है। वेरीफाई पेमेंट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से क्रिप्टो रिलीज करना है, यानी जब हमारे अकाउंट में जो भी हम लोगों ने पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया होगा पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट आने के बाद जो हम लोगों ने क्रिप्टो रिलीज करनी है, जैसी क्रिप्टो रिलीज करेंगे तो जो भी हमारे पास एटी टोकन या जेम टोकन का ऑर्डर आया हुआ होगा वो उसके अकाउंट में चला जाएगा जिसने हम लोगों को पेमेंट करी होगी। अगर आप बाइनेंस को यूज करते तो ये काम आप लोगों के लिए करना आसान होगा। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने सेलिंग किस तरीके से करनी है, यानी एटी टोकन या जेम टोकन को सेल आउट किस तरीके से करना है। अब सेल करने के यहाँ पर दो मेथड है। नंबर वन, तो यहाँ पर देखें आपके पास सेल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सारे के सारे लोग पी टू पी करते हुए आप लोगों से एटी टोकन या जेम टोकन बाय कर सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर तमाम डिटेल दी हुई है। जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऑर्डर क्रिएट करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ पर बाय का जो ऑप्शन है, बाय के ऑप्शन के अंदर हमारा ऑर्डर आ जाएगा और यहाँ पर भी हम लोगों का ऑर्डर ऐड हो जाएगा कि भाई इतने इतने डॉलर्स के हम इतने इतने एटी टोकन या जेम टोकन जो वो सेल करना चाहते हैं। तो लोग बाय के ऊपर क्लिक करके हम लोगों से एटी टोकन या जेम टोकन बाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने पी टू पी करते हुए सेल किस तरीके से करने हैं अपने एटी टोकन या जेम टोकन। उसके लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपने टोकन्स को डिपॉजिट करना होगा, यानी एटी टोकन अगर सेल करना चाहते हैं तो एटी टोकन को आपको यहाँ डिपॉजिट करना होगा। अगर आप जेम टोकन जो है सेल करना चाहते हैं तो जेम टोकन को आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। अब डिपॉजिट किस तरीके से करना है ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, पहले आप मेथड को समझ लें। तो सिंपली पी टू पी करते हुए अगर आप अपना यहाँ से जेम टोकन या एटी टोकन को सेल आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेल का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सेल के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये देखें आपके पास ATH शो हो रहा होगा। यहां पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर ATH जेम और पाई आपके पास शो हो जाएगा। अभी पाई जो है यहां पर अवेलेबल नहीं है, पाई जो है अभी फ्यूचर के अंदर यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी बात हम करेंगे ATH टोकन और जेम टोकन की। अगर आपने ATH टोकन सेल करने तो आपने ATH के ऊपर ही क्लिक किए रहने देना है और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों के पास ये तमाम के तमाम लोग आ जाएंगे जो आप लोगों से ATH टोकन खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर आप जेम टोकन जो यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जेम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जेम के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई भी अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ पर जेम टोकन खरीदने वाले लोग भी आपके पास शो हो जाएंगे। उनके सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप उनको जेम टोकन वगैरह सेल आउट कर सकते हैं। मैं ATH के ऊपर आता हूँ। ATH के ऊपर आने के बाद आप लोगों को प्रोसेस समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने पी टू पी करते हुए इन लोगों को अपने ATH टोकन या जेम टोकन सेल करने। प्रोसेस दोनों का सेम है, चाहे आपको ATH टोकन सेल करने हो चाहे आपको जेम टोकन सेल करने हो। यहाँ से मैंने ATH को सिलेक्ट कर लिया। अब ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए इनकी तमाम डिटेल्स इनके अकाउंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं।
अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो पर्सन है, इस पर्सन के आगे सेल का ऑप्शन है, सेल के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये इसने अपनी प्राइस बताई हुई है कि भाई 0.08 USDT के अंदर जो ये एक ATH टोकन बाय कर सकता है, और इसके पास जो अवेलेबल है यानी 12 ATH टोकन जो ये बाय कर सकता है, और लिमिट यहाँ पर इसने इतनी इतनी बताई हुई, और फीस जो यहाँ पर कटेगी ट्रांजेक्शन फीस वो तकरीबन 2.5% कटेगी। तो सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर नीचे देखें आपके पास एक पे का ऑप्शन शो हो रहा होगा और एक रिसीव का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सही है, पे का जो ऑप्शन शो हो रहा है, पे का मतलब ये कि आप यहाँ से कितनी जो अमाउंट पे करेंगे, मिसाल के तौर पे कितने ATH टोकन आप यहाँ पर पे करेंगे या कितने जेम टोकन आप यहाँ पर पे करेंगे। अभी हम लोगों ने ATH को सिलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पर ATH शो हो रहा है, और अगर हम लोगों ने जेम को सिलेक्ट किया हुआ होगा, जेम को हम सेल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपके पास जेम शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पे के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पर आ जाना रिसीव के ऊपर। रिसीव का मतलब ये कि आप यहाँ से कितने जो है ATH टोकन या जेम टोकन को सेल करेंगे तो उसकी पेमेंट आपके हिसाब से कितनी बनती है, यानी जो इस बंदे ने प्राइस बताई हुई है इस प्राइस के हिसाब से कितनी पेमेंट बनेगी और उस पेमेंट के कितने जेम टोकन और ATH टोकन बनेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर रिसीव के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करके $1 यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी $1 के अंदर हम इसको तकरीबन 12.82 कुछ ATH टोकन जो वो सेल करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिख देते हैं $2, तो $2 लिखने के बाद यानी हमारी यहाँ पर तकरीबन 25.64 जो ATH टोकन हम इसको सेल कर सकते हैं। तो ये आपने प्रोसेस करना है, मतलब जितने भी डॉलर्स के आप ATH टोकन इसको सेल करना चाहते हैं आपने यहाँ पर अपने डॉलर्स में अमाउंट लिखनी है। अमाउंट जैसे ही आप लिखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट से कितने ATH टोकन उसके पास ट्रांसफर होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आपके पास सेल का ऑप्शन शो होगा। मेरे पास अभी ये सेल का ऑप्शन जो हुआ हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने ATH टोकन को डिपॉजिट नहीं किया हुआ, मैंने यहाँ पर जेम टोकन को डिपॉजिट किया। और आगे जाकर आप लोगों को प्रोसेस भी बता दूंगा किस तरीके से आपने जेम टोकन को या ATH टोकन को डिपॉजिट करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास सेल का ऑप्शन शो होगा, आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे पेमेंट मेथड मांगा जाएगा, यानी किसी पेमेंट मेथड के ऊपर आप पेमेंट इस बंदे से मंगवा सकते हैं। आपने वहां पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट करनी है। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे उस पेमेंट मेथड के ऊपर ये जो बायर है यानी ये जो खरीदने वाला है, ये खरीदने वाला पेमेंट सेंड करेगा। यहाँ से आप कंफर्म करोगे आपके पास पेमेंट आ गई है। जब आप कंफर्म करोगे उसके बाद जो है आपके पास क्रिप्टो रिलीज का ऑप्शन आएगा। क्रिप्टो रिलीज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो भी उसने पेमेंट करी हुई होगी उस पेमेंट के हिसाब से आपकी यहाँ से क्रिप्टो रिलीज हो जाएगी, चाहे आपकी जेम टोकन हो चाहे आपके ATH टोकन हो। ये मैंने आपको P2P करते हुए प्रोसेस बता देगी किस तरीके से आपने यहाँ से जेम टोकन को या अपने ATH टोकन को आपने सेल आउट करना है। अब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ पर अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ऑर्डर क्रिएट करेंगे सेल करने का, तो आपका जो ऑर्डर भी यहाँ पर ये जो बाय है बाय वाली लिस्ट के अंदर आ जाएगा, और बाय वाली लिस्ट के अंदर आने के बाद आपका ऑर्डर जो वो इस तरीके से शो होगा। अब जिसको भी आप लोगों से खरीदना होगा, मिसाल के तौर पे आपका ऑर्डर यहाँ पर है तो वो बाय के ऊपर क्लिक करेगा। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद जो वो आपकी जो आपने प्राइस वगैरह यहाँ पर ऐड करी हुई होगी, भाई इतने का मैं ATH टोकन जो वो सेल कर रहा हूँ या इतने का जेम टोकन जो सेल कर रहा हूँ, उसके हिसाब से वो अपनी अमाउंट वगैरह ऐड करेगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों को पेमेंट करेगा। पेमेंट के हिसाब से आपने यहाँ से जो है अपना कन्फर्मेशन करनी है कि पेमेंट आ गई। यहाँ से फिर आप क्रिप्टो रिलीज करेंगे। जैसे ही आप क्रिप्टो रिलीज करेंगे तो आपके यहाँ पर जो भी जेम टोकन या ATH टोकन का ऑर्डर होगा वो उसके पास पहुंच जाएगा, जो भी आप लोगों से खरीद रहा होगा। अब ऑर्डर आप लोगों ने किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से प्लेस करना है, इसके लिए भी आप लोगों का यहाँ पर डिपॉजिट जरूरी है। अगर आप यहाँ पर जेम टोकन सेल करना चाहते हैं तो जेम टोकन डिपॉजिट करें, अगर आप ATH टोकन सेल करना चाहते हैं तो ATH टोकन डिपॉजिट करें। अब आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपने यहाँ पर डिपॉजिट करना है, यानी ATH टोकन और जेम टोकन को किस तरीके से आपने यहाँ पर डिपॉजिट करना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपने यहाँ पर ऑर्डर अपना किस तरीके से प्लेस करना है। अब इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैं सेल करने के मेथड समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बाय करने के मेथड भी बताऊंगा, और यहाँ पर P2P के ऊपर मुकम्मल किस तरीके से वर्किंग करनी है ये सारी की सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल लोगो नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अवर वी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अवर वी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेश हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको डिपॉजिट करने का प्रोसेस समझा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ये सारी चीज़ें भी पहले मैं समझा दूँ, फिर आपको डिपॉजिट करने का मेथड भी समझा देता हूँ। यहाँ पर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर देखें आप लोगों को P2P करने के लिए, यहाँ पर वर्किंग करने के लिए सबसे पहले अपनी एथीन नेटवर्क की माइनिंग वाली एप्लीकेशन को लिंक करना होगा। जैसे ही आप लिंक कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो जीमेल अकाउंट शो हो जाएगा, जीमेल के थ्रू आपने अपना एथीन नेटवर्क की माइनिंग वाली एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा।
अगर आपके यहाँ पर एथीन नेटवर्क की माइनिंग वाली एप्लीकेशन लिंक नहीं हुई भी होगी तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा लिंक अकाउंट का, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। अगर लिंक ना हो रहा हो, कोई एरर आ रहा हो, तो आपने बार बार ट्राई करते रहना एक एक दो दो घंटे के गैप से, तो आपका अकाउंट जो कामयाबी के साथ यहाँ पर लिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर ये देखें इन्वाइट कोड है, ये आपका इन्वाइट कोड है, ये आपका रेफरल लिंक है। सिंपली इस लिंक को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस लिंक के थ्रू अपने टीम मेंबर्स के अकाउंट क्रिएट करवाने तो उनका भी आप लोगों को कमीशन मिलता रहेगा। कमीशन कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर ये देखें टोटल रेफरल कमीशन आपके पास शो हो रहा होगा, तो जो मेरे रेफरल से मुझे कमीशन हासिल हुआ वो तकरीबन अभी ये है, तो जो जो मेरे रेफरल्स जो है वहाँ पर ट्रांजेक्शन करते रहेंगे उसका रेफरल कमीशन भी मुझे मिलता रहेगा। वो किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर हम आगे आ जाएं, यहाँ पर ये देखें टोटल यूजर्स हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे आपके रेफरल्स शो होंगे कि F1 के अंदर आपके कितने रेफरल्स हैं और F2 के अंदर आपके कितने रेफरल्स हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये देखें तमाम की तमाम हिस्ट्री है, आप यहाँ पर जो भी बाय करेंगे ये सेल करेंगे ये हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ATH की हिस्ट्री आपके पास शो हो जाएगी, अगर आप जेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जेम की हिस्ट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री है, ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप यहाँ पर अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं सेल एंड बाय का, तो ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑर्डर जो है तमाम के तमाम जो भी आपने प्लेस किए हुए होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पर अगर आपने ATH का ऑर्डर प्लेस किया होगा तो ATH का शो हो जाएगा, अगर आपने जेम का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया होगा तो यहाँ पर आपके पास जेम का ऑर्डर शो हो जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने ये दो ऑर्डर जो यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, ये दोनों के दोनों ऑर्डर मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आगे आते हैं, यहाँ पर ये देखिए कमीशन हिस्ट्री है, कमीशन हिस्ट्री के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही कमीशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा रेफरल्स के जरिए हम लोगों को कमीशन वगैरह हासिल हुआ हुआ होगा तमाम की तमाम डिटेल आ जाएगी, और किस रेफरल के थ्रू जो आपको कितने कितने USDT मिले वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे, और उसने क्या किया था, क्या बेचा था उसने तो उसका क्या कमीशन मिला, और सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसके अलावा हम वापस ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ये देखें आपके पास ये ऑप्शन शो होगा डिपॉजिट का, विड्रॉ का और हिस्ट्री का। डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं ATH टोकन को, USDT को या जेम टोकन को। डिपॉजिट करने का प्रोसेस भी मैं आपको आगे जाकर समझाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें विड्रॉ का ऑप्शन है, विड्रॉ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी ये ऑप्शन कमिंग सून है, यानी यहाँ पर जो भी हम लोगों ने अर्निंग करी भी होगी उसको हम अपने वॉलेट वगैरह के ऊपर विड्रॉ करवा सकते हैं USDT की सूरत में। यानी यहाँ पर जो भी हम ATH टोकन या जेम टोकन को सेल वगैरह करेंगे या जो भी हम लोगों को यहाँ पर कमीशन वगैरह मिलेगा वो हम लोगों को USDT की सूरत में मिलेगा, और उन USDT को हम अपना विड्रॉ करवा सकते हैं बायनेंस के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या मेटामास्क के ऊपर। ये तमाम की तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताई जाएंगी, अभी फिलहाल जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को गाइड कर दी हैं, और अभी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर ATH टोकन को और जेम टोकन को सेल आउट किस तरीके से करना है। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया कि P2P करते हुए आपने किस तरीके से सेल करना है। अब सेकंड मेथड जो है आपने ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर प्लेस करने का प्रोसेस भी आपको आगे जाकर समझाने वाला हूँ। लेकिन अब चाहे यहाँ पर आप P2P के जरिए ATH टोकन या जेम टोकन को सेल करना चाहते हैं, चाहे आप ऑर्डर प्लेस करके अपने ATH टोकन या जेम टोकन को सेल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यहाँ पर आपने ATH टोकन या जेम टोकन को डिपॉजिट करना है। अब समझ लेते कि आपने डिपॉजिट यहाँ पर किस तरीके से करना है। डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोफाइल का लोगो नजर आ रहा होगा, आपने प्रोफाइल के लोगो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने ओवरव्यू के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप ओवरव्यू के ऊपर आएंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक डिपॉजिट का ऑप्शन शो होगा, आपने डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें अगर हम लोगों को USDT डिपॉजिट करने तो इस एड्रेस के ऊपर हम लोगों को डिपॉजिट करना होगा, तो USDT हमारे डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ATH टोकन और जेम टोकन को डिपॉजिट करने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप USDT डिपॉजिट कर सकते हैं, ATH टोकन डिपॉजिट कर सकते हैं, जेम टोकन डिपॉजिट कर सकते हैं, पाई टोकन भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन अभी पाई जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर जेम टोकन डिपॉजिट करना सिखाता हूँ, सेम इसी प्रोसेस से आप ATH टोकन भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जेम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही जेम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा, यानी आपके जो P2P ट्रेडिंग के ऊपर अकाउंट क्रिएट हुआ है उस अकाउंट का जो जीमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। अब इस जीमेल एड्रेस के ऊपर हम लोगों ने डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के लिए हम आ जाते हैं एथीन नेटवर्क की माइनिंग वाली एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे वॉलेट के ऊपर। वॉलेट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो हम लोगों को सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे लास्ट में आप लोगों के पास ऑप्शन शो होगा डिपॉजिट इनटू एथीन P2P, आपने इसके ऊपर
क्लिक कर देना है। अब अगर P2P के ऊपर आप जेम टोकन डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपने जेम को सिलेक्ट करना है। अगर ATH आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपने ATH के ऊपर सिलेक्ट करना है। सिंपली मैं जेम टोकन यहाँ से डिपॉजिट करने वाला हूँ, जेम के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट ऐड करूंगा, लेकिन आपने ध्यान रखना कि अगर आप जेम टोकन यहाँ से डिपॉजिट कर रहे होंगे तो आपके यहाँ पर कम से कम जो है अकाउंट के अंदर आपके 1000 से ज़्यादा जेम टोकन होने चाहिए, यानी मिनिमम जो डिपॉजिट है वहाँ पर तकरीबन 1000 टोकन का है। 1000 टोकन से कम जो है वो आप वहाँ पर डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप 88 टोकन डिपॉजिट कर रहे हैं तो 88 टोकन भी आपके अकाउंट में 100 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी मिनिमम अमाउंट जो वो यहाँ पर 88 टोकन के डिपॉजिट की 100 है। 100 से कम होंगे तो आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। सिंपली यहाँ पर आपने जेम या 88 दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ। जैसे मैक्स करूँगा तो ये तकरीबन 1254 जो मेरे जेम टोकन अकाउंट के अंदर मौजूद है, यहाँ से पहले मैं डिपॉजिट कर चुका हूँ। अब आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने मैक्स के ऊपर क्लिक किया तो हमारे जितने भी अकाउंट के अंदर जेम टोकन होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कम टोकन अपने यहां से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपने अपनी कम अमाउंट लिखनी है, लेकिन यह याद रखना है कि 1000 से कम जो है यहां से आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। उसके बाद यहां पर आपने एथीन P2P अकाउंट का जीमेल एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद आपने सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर एक मेल जाएगी, उसमें एक OTP होगा। उस OTP को आपने कॉपी करके यहां पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सेंड करना है। तो मेरे जीमेल एड्रेस के ऊपर ये OTP आ चुका है। OTP मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सिंपली यहाँ से मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हम लोगों की फीस वगैरह भी बता रहे हैं कि जितने भी जेम टोकन हम सेंड कर रहे होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को फीस बताएगा कि इतनी फीस जो आपकी यहाँ से कट आउट हो जाएगी। सिंपली यहाँ से हमने सेंड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जेम टोकन जो वहाँ पर सेंड हो जाएंगे और P2P ट्रेडिंग वाले अकाउंट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ से हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम आ जाते हैं P2P ट्रेडिंग वाले अकाउंट के ऊपर। इस पेज को बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर हम इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। जैसे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर हम ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये देखें डिपॉजिट सेक्शन के अंदर आप लोगों को शो हो रहा होगा जो भी आप डिपॉजिट करेंगे कि इतने इतने जो आपके यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप चाहे जेम टोकन डिपॉजिट करें चाहे आप यहाँ पर 88 टोकन डिपॉजिट करें तो आपके पास जो यहाँ पर डॉलर का साइन शो होगा। अब इस डॉलर के साइन को देखकर आप लोगों के दिल में लड्डू तो फूटेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे अगर हम आ जाए तो यहाँ पर देखें जेम जो है हमारे यहाँ पर इतने इतने डिपॉजिट हुए हैं। अगर 88 आपने डिपॉजिट करे हुए तो आपको यहाँ पर शो होंगे, और उसके अलावा अगर आपने USDT डिपॉजिट करे हुए तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे। डॉलर के साइन के ऊपर नहीं जाना, डॉलर का साइन इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है। आपके जो जेम टोकन की प्राइस होगी या 80 टोकन की जो प्राइस होगी वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि किस प्राइस के अंदर आप यहाँ पर 80 टोकन या जेम टोकन को सेल आउट कर सकते हैं। सिंपली आपने डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करने के बाद हम वापस यहाँ पर होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है अपने 80 टोकन या जेम टोकन को सेल आउट करने का वो है ऑर्डर प्लेस करने का। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने क्रिएट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट सेलर ऑर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है। सिंपली यहाँ पर आपने डिपॉजिट करे हुए अपने जेम टोकन, तो मैं आप लोगों को जेम टोकन यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। अगर आपने 88 टोकन यहाँ पर डिपॉजिट करे हुए हो तो आपने ATH को सिलेक्ट रहने देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से जेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जेम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने अपनी प्राइस ऐड करनी है कि एक जेम टोकन हम कितने रुपये का सेल करना चाहते हैं। अगर आप 88 टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं 88 टोकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये 88 टोकन की प्राइस शो हो रही है कि इतने में आप 88 टोकन जो वो सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम जेम के ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने रुपये में आप अपना जेम टोकन जो वो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो सिंपली जो भी आप अपनी यहाँ पर अमाउंट ऐड करना चाहें आपने वो अमाउंट ऐड कर देनी है। मिसाल के तौर पर मैं 0.001 यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ कि भाई 0.001 में मैं एक जेम टोकन जो सेल करना चाहता हूँ। प्राइस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके पास कितने जेम टोकन जो मौजूद है। सिंपली यहाँ से आप आल के ऊपर क्लिक कर दे, और अगर आप यहाँ पर कम लिखना चाहते तो आप यहाँ पर कम भी ऐड कर सकते हैं। अब क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास ये ट्रांजेक्शन ऑफ द एंट्री क्वांटिटी का ऑप्शन आपके पास शो होगा, आपने इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद सारी की सारी नीचे की सेटिंग जो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिंपली यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास कंफर्म का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप लोगों को बता देगी भाई आपने प्राइस ये सिलेक्ट करी है और तकरीबन इस प्राइस के हिसाब से जो आपने यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस किया आपके सारे के सारे जेम टोकन जो 1.254 USDT के अंदर सेल होंगे। तो सिंपली आपने चीज़ों को देख लेना और यहाँ से आपने कन्फर्म के ऊपर
क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर जो वो प्लेस हो जाएगा। अभी आपका ऑर्डर कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर आपने अपने प्रोफाइल के लोगों के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने अवर व्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अवर व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखें हम लोगों ने अभी जो कुछ देर पहले यहाँ पर अपने जेम टोकन डिपॉजिट किए थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं और यहाँ से भी गायब हो चुके हैं। सिंपली हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑर्डर हिस्ट्री का ऑप्शन शो होगा, अपने ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर आ जाना है। जैसे ही ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर आएंगे तो आपने जो 88 टोकन यहाँ पर ऑर्डर करे होंगे यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे, और अगर आपने जेम टोकन ऑर्डर करे होंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जेम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखें मैंने दो ऑर्डर अपने क्रिएट करे हुए हैं और ये दोनों के दोनों ऑर्डर जो यहाँ पर इन प्रोग्रेस है, यानी अभी प्रोग्रेस में। और जैसे ये प्रोग्रेस में आ जाएंगे तो उसके बाद होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। होम पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ये जितने भी सेल करने वाले बैठे हुए इन सेल करने वालों में हम लोगों की लिस्ट भी आ जाएगी, और यहाँ पर क्लिक करके जो लोग हम लोगों से जेम टोकन या 88 टोकन को बाय कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को दोनों प्रोसेस बता दी कि आपने ऑर्डर किस तरीके से क्रिएट करना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर P2P करते हुए लोगों को अपने जेम टोकन या 80 टोकन सेल करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको लोगों को ऑप्शन बता दिया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बाय करने का प्रैक्टिकली प्रोसेस बताऊंगा कि आपने बाय किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी P2P ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा रही हैं और आए दिन जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं। अभी प्रॉपर जब यहाँ पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एथीन नेटवर्क या फ्री माइनिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तमाम की तमाम अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको तमाम की तमाम अपडेट्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।